सो वेलकम टू AMMATHS ट्यूटोरियल्स। जो कम्युनिटी टैब पे मैंने फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया उसका सोल्यूशन, 4 नवंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। लेट बी द सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7? ऑर्डर 7 का एक सब ग्रुप है, उससे कितने सब ग्रुप होंगे ऑर्डर 7 के, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे सिंपल साइलो जो थर्ड थ्योरम है उसका यूज करेंगे। तो पहले तो एक चीज फंडामेंटल पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे अगर सीख लें, किसी पे मैं यहीं पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर ले रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी जो हमारे पास है 168 है, जिसका हम अगर फैक्टर करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिल जाएगा, ठीक है, 7 × 24 कर लीजिए, अदरवाइज फिर 7 × 2³³ ये इस तरह से हमें इसका फैक्टर्स मिल जाएगा। तो अब हम जो साइलो थर्ड थ्योरम है वो आप जानते हैं कि क्या होता है हमारा, साइलो थर्ड थ्योरम है वो सिंपल सा आपको पता है, इसे एनपी इज इक्वल टू हमारा होता है 1 + KP, पी प्राइम हमारा, ये पी प्राइम, और उसके बाद जो P और तो यहाँ पे हमारा जो P है वो क्या है, 7 है। हमें जो कि 7 के ऑर्डर्स के थ्रू बात करनी है, ये जो दिया हुआ है 7 है, मतलब N ऑफ 7 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 7 K। अब सिंपल सा यहाँ पे रहेगा, जो हम फाइंड आउट करेंगे K की वैल्यू को रख करके, और जो इसको डिवाइड कर देगा इस ग्रुप को, ऑर्डर के ग्रुप को 168 को जो डिवाइड कर देगा, वही नंबर सब ग्रुप हो जाएंगे। तो अब आइए देखते हैं सिंपल सा कौन कितने हो सकता है डिवाइड करने के बाद, जो हमारा रिजल्ट्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, के इक्वल टू जो फर्स्ट हम ले लेंगे के इक्वल टू 0, ठीक, के इक्वल टू 0 लीजिए तो फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, एन 7 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, ठीक, 1 जो है तो यहाँ पे जाएगा एन 7 डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ठीक, सो दैट इज द ग्रुप। दूसरा ले लेते हैं के इक्वल टू 1, तो देखिए एन 7 कितना मिल जाएगा, यहाँ पे रख देना 1 रख देंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है, 1 + 7 दैट इज द 8। तो 8 है जो कि यहाँ फैक्टर्स में भी अवेलेबल है, मतलब जो हमारा एन 7 है, सिंपल है बहुत, एन 7 डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, अगेन ये प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली दूसरा हम ले लें, ये तो दूसरा हो गया, तीसरे पॉइंट पे आ जाए k इज इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2 जैसे फाइंड करेंगे तो n 7 क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो गया, 15 हो गया, मतलब n 7 हमें 15 मिलेगा, जो कि n 7 जो है हमारा इट डज नॉट डिवाइड करेगा, डज नॉट डिवाइड टू ऑर्डर ऑफ z, इसका मतलब ये है डज नॉट डिवाइड, ठीक। और चौथा इस तरह से अगर हम कर लें, k इक्वल टू 3 ले लीजिए मान लीजिए, तो k इक्वल टू 3 लेने में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, n 7 जो हमें फाइंड आउट होगा फ्रेंड 3 और 22 मिल जाएगा, तो 22 मिल गया n 7, फिर से ये डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, डिवाइड नहीं करेगा, ये सिंपल सी वर्कआउट हो जाएगी। इसी तरह और वैल्यूज को लेकर के हम कर सकते हैं, तो जो सब ग्रुप हमारे कौन से ऑर्डर मिल गए, दो ग्रुप मिल गया, जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, मतलब n 7 जो हमें मिल रहा है 1 और 8, तो अब इसी में से हमको रिजल्ट को देख लेना है कौन सा हमारा रिजल्ट है। तो जो हमारे पास आंसर है उसमें से एक फंडामेंटल जो रिजल्ट्स मिल जाएगा सिंपल सा, कौन सा हमारा है, ये 8, तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा कुछ वर्क नहीं था इसमें, बेसिकली इसको हमें सिर्फ अरेंजमेंट करना था, अरेंजमेंट करके हम इसको फाइंड कर पा रहे थे, बहुत ही फंडामेंटल है। पहले हमने क्या किया, इसको जो ये ऑर्डर है इसका फैक्टर कर लिया, उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क साइलो थर्ड थ्योरम का यूज कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जल्दी मेरे आगे वाले जो अभी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उस पर इन सब पे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और सिंपल से यहाँ पे है, और भी यहाँ पे और लेके चल सकते हैं आप, k इक्वल टू 4 ले लीजिए,
k इक्वल टू 5 ले लीजिए, इस तरह से चेक कर लीजिए तो कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो k लेते हैं ना, k की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3 अप टू बहुत सारा आगे, इस तरह से वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक बेसिक क्वेश्चन था इम्पॉर्टेंट। सो टेक केयर, थैंक यू। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।